करो, पेशाब कराओ। हाँ हमें उठा ना क्योंकि है घड़ी की थोड़ी री थोड़ी में छिन छिन जाए थे उठ जो नहीं पता गावणिया मन ओल बदे वेला के थे बैठ जात ना अगली सभा उठा दी मारे ओल बना कर दिया इकरादे तू बन भागरी राधे तू बन भागरी और ते कौन तपस्या की तीन लोक रो तारण तरण राधे सो तेरे आधी कवि लिखो है राधे तू बड़े भागनी ते कौन तपस्या की तीन लोक रो तारण तरण राधे सो तेरे आधी तीन लोक रो नाथ है जगह ने राधिका जी आधीन करियो है क्योंकि एक समय में नारद जी भगवान कृष्ण ने द्वार आवे इन्हें भगवान कृष्ण द्वारका जावे और राधा जी भगवान कृष्ण की बाट जोड़ने वास्ते बुझको दोरी मोड़े माथे दीवार किमाड़ लागुड़ो हुए जकरे माथे हाथ लगाउड़ा और भगवान कृष्ण की बाट जोड़े नारद जी यार और मन में विचार की वो दिन है ई लकड़ी रे किमाड़ ने जो को तीन लोक रे नाथ री रानी है जकी तार जी ई लकड़ी रे किमाड़ रे अधीन है ई लकड़ी रे किमाड़ रे दिन भाग है जद नारद जी मन में विचार करे जद बा लकड़ी बोल और नारद जी ने कहीं कहे देखो बड़ी गुणी बात है लकड़ी बोल नारद भगवान ने प्रश्न करे और लिखे शीतल धूप सहे घट भीतर शीतल धूप सहे घट भीतर रैन उद्यान खड़ो रतिया एक मार की मार कवार की मार और लोह की चूप धरी खतिया वो किवाड़ बोल रखे के जगीटे में मैं बन में एक लो उगो उगुड़ हो जगीटे में जीती भी सर्दी पड़ती तो ही मारे ऊपर ही मैंने इतनी तपस्या करनी पड़ी बा लकड़ी कहे जीते भी सर्दी पड़ी तो ही सहन करी और जको तावड़ियो धूप पड़ी हो तो ही मैं सहन करी आदमी भक्ति करण में चार घंटा को बैठे और भगवान की भक्ति प्राप्ति करनी बहुत दूरी है तो बा लकड़ी बोल रखे शीतल धूप सहे घट भीतर सर्दी और तपती दोनों ही में सहन करी घट में घनी पीड़ा होती पर सहन करी मन में एक लो उबो आज भी देख लो खेल दी है कोई भी दरखत है एक लो ही रवे शीतल धूप सहे घट भीतर रेन उद्यान खड़ो रतिया रात और दिन एक लो ही खड़ो रोई में कोई मन तो बोले हम नहीं को आऊं तो कदी मदी को चौमास टाइम हो तो कोई छे आली बैठ जाओ नहीं तो एक एक लो ही खड़ो शीतल धूप सहे घट भीतर रेन उद्यान खड़ो रतिया रात दिन खड़ो रहू तो खासा वर्ष बीतिया जने खाती जी कनकर निकलिया मैं देखी भाई लकड़ी बड़ी तकड़ी है और इन्हें बाढ़ आप किवाड़ बिना ला और पाचा निकाल ला तो बड़ी मजूरी है तो खाती जी यार और तो मारो कोई को ने बढ़िया कवाड़ो ला रही थी मारे ठोक नहीं हुआ तो ही मैं सहन करी शीतल धूप सहे घट भीतर रेण उद्यान खड़ो रतिया मार की मार कवाड़ की मार और लोवे की चूप धरी खतिया इति कवाड़ा बटीड़ मारे लागिया तो ही मैं सहन करिया पछे खाली मना पटक रबी तो हारी कोनी है आगे पाजिया भला काडिया तो ही सहन करिया आरे माथे दियो और पाजा निकाल मेरे बाद में मारे मैन जकी काल की जगह है जकी जगह खिल्लो ठरकायो तो भी सहन करियो
शीतल धूप सहे घट भीतर रेण उद्यान खड़ो रतिया मार की मार कहाने की मार लोवे की चूप धरी खतिया हृदय बिचे लोवे की चूप धरी और ठोकर खात पड़ो दिन रतिया हुतार 10 दिन तई मने खणी उबो नाखे खणी आडो नाखे तोई शैन करी बे पीड़ा हृदय बिचे लोवे की चूप धरी और ठोकर खात पड़ो दिन रतिया 15 दिन ठोकरा खाई जने जार में पूरो किवाड़ बिड़ियो हां लोग जूता ले उड़ाई मारे ऊपर करी जीपता पूरो किवाड़ बिड़ियो जद ठाकुर जी रे द्वारे लागियो इति सेन शक्ति करी जद जद आपके हरिद्वार खड़ो जद काठ के पाच लगिया छतिया काठ नाम लगड़ी रो है और छाती राधिका जी री जी हृदय भी चलो की चूप धरी ठोकर खात पड़ियो दिन रतिया आप के हरिद्वार खड़ो जद काट के पाच लगी छतिया हो रे हाँ से राधिका जी को खड़ा है कली तपथीर पर कलो दुख देखियो नी जद जार अठे खड़ो तो भगवान री तपस्या करनी पड़े तो जद नानी बाई स्वयं भगवान कृष्ण ने अरदास करे मन में विचार कियो पिताजी कहणो काल ठाकुर जी आवे कि नहीं आवे तोंबा पर्सनल कागज दे तो ठाकुर जी महाराज ने काई कागज लिखे और कलम ना लिखे देखियो ऐसा वरिया थारा एका नोड़ा थारा ए नाम हजार ए नाम हजार मैं कहीं आ लिखूं कुकू पतरी गिरधारी रे
आवाज पहुंच रही है आपने खने बहुत बहुत धन्यवाद है तार जी सोनी ने ये बहुत अच्छो साउंड सिस्टम लगावे है और जब वो जागरण है वो जागरण आज लाग रही है आप थोड़े दिन में थोड़े टाइम में इन्हें यूट्यूब में आप किसी भी मोबाइल में सर्च करो आज रो जागरण सीधा गाँव रहो तो आपने हर मोबाइल में वो जागरण मिलेगा अच्छी तो देखो और जका जेकार बोले जकारी आदरी मैं आवेला और जका मारा हाथी हाँ सड़स में बैठा है जका रू फोटो में आवेला अच्छा यार आलस करे डुबई में बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत अच्छी ढोलक बजावे भाई विक्रम जी और भाई ऑटो फेड बजावे भाई सुभाष और तोल जी सोनी बहुत सुरीली आवाज में भजन गावे है भाई बहुत अच्छी आवाज में गावे है जिन जाई भाई राम अरे वाह भाई अर्जुन बाणावती और मारो नाम छोटो सो के भाई बलदेव प्रार्थना करे लिखे
बोलो भक्त वसल भगवान की, बोलो आयल मात की, जय हो जय हो।